नमस्कार, मैं हृतिका वर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है सुबह की 10 बड़ी खबरों का, तो आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम मोदी वाराणसी में किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद 3 किस्तों में दी जाती है। वहीं 2 करोड़ से अधिक किसान इस सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून यानी कि आज वाराणसी के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री शाम 5 बजे पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके बाद शाम 7 बजे घाट पर गंगा आरती देखेंगे। वहीं रात 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद पीएम मोदी के इस दौरे में वाराणसी में भारी उत्साह है। ओडिशा के बालासोर जिले में 2 समूहों के बीच झड़प के बाद जिला प्रशासन ने सोमवार को धारा 144 लागू कर दी है। यही नहीं बल्कि वहां पर कर्फ्यू भी लगाया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट से निलंबित कर दिया है और लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया है। वहां की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लखनऊ के चिन्हट में बाबा हॉस्पिटल के पास एक कार गैराज में भीषण आग लग गई। खड़ी गाड़ियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और सीएनजी लगी गाड़ियों में एक के बाद एक धमाके हुए, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रशासन ने लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील भी की। राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने और वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने की जानकारी औपचारिक रूप से लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को दे दी है। उन्होंने इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा है और सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने यह कदम उठाते हुए रायबरेली को अपनी प्राथमिकता दी है। महाराष्ट्र और झारखंड में आने वाली विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की कोर ग्रुप की आज दिल्ली में अहम बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में महाराष्ट्र और झारखंड के बीजेपी कोर ग्रुप के नेता भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनावी रणनीति और तैयारियों पर चर्चा करना है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने सियालदह रेलवे स्टेशन पर पहुंची कंचनजंगा एक्सप्रेस के यात्रियों से बातचीत की। कल दार्जिलिंग जिले के फांसी देवा इलाके में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और करीब 25 लोग घायल हो गए। मेयर ने यात्रियों की स्थिति के बारे में जानकारी ली और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मदन मोहन मंदिर में माँ माटी मानुष की बेहतरी के लिए प्रार्थना की। सीएम ममता ने कहा, मैं यहां प्रार्थना करने आई हूं और एक छोटी सी बैठक में भी शामिल होंगी। इस दौरान उन्होंने राज्य की जनता की भलाई और सुख समृद्धि के लिए दुआ मांगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में रंगापानी स्टेशन के पास मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर के बाद मरम्मत कार्य जारी है। एक ट्रैक पर ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू भी कर दी गई हैं। प्रशासन ने तेजी से काम करते हुए एक ट्रैक को चालू कर दिया है, जिससे यात्री सेवाओं में राहत मिली है और बाकी ट्रैकों पर भी जल्द ही सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है। शेयर बाजार ने 18 जून को नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने 77,347 का स्तर छूते हुए फिलहाल 300 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 77,300 पर कारोबार किया। निफ्टी ने भी 23,573 का ऑल टाइम हाई बनाया और फिलहाल 100 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 23,550 पर है। वहीं आईटी और एनर्जी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई और एचएएल के शेयर्स में 5% से अधिक की उछाल दर्ज की गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लीडर हिंदी के साथ।